परिवार के विरुद्ध कार्रवाई की गई है, जिसकी सूचना थाना पुलिस को प्राप्त हुई थी। यहाँ हुक्का बार संचालक को गिरफ्तार किया गया है और साथ ही वहाँ बैठकर अन्य 11 जो व्यक्ति थे जो हुक्का बार में नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे थे, हुक्का पी रहे थे, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। वहाँ से हुक्का जो मिले हैं, उसके अलावा जो अलग अलग तरह के फ्लेवर से तम्बाकू जो उसमें इस्तेमाल होते थे वो सब मिले हैं। उनके जो मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं, इसके अलावा कुछ बाइकें जो इनके जो वहाँ पर कभी रहते उन लोगों की बरामद हुई है। साथ ही इसमें जो मकान मालिक है जिसके मकान में हुक्का चल रहा था वो फरार है, अभी उसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश की है। सर, ये जो पकड़े गए युवा हैं सारे छात्र बताए जा रहे हैं, और इसमें कोई MBA और कोई B.Pharma कोई योगा टीचर है? हाँ, ये जो पकड़े गए 11 लोग हैं ये अच्छे बैकग्राउंड से हैं और सब पढ़े लिखे युवा हैं। इनके और बैकग्राउंड के बारे में और छानबीन की जा रही है, लेकिन ये सब वहाँ हुक्का बार में हुक्का पीते हुए पकड़े गए हैं। इनके ये जो सर जो केमिकल पकड़ा गया है, जो इनके पास फ्लेवर पकड़ा गया है, क्या ये कोई नशीली पदार्थ है क्या है? हाँ, ये तंबाकू के अलग अलग नशीले टाइप्स हैं और जिनके आधार पर इनका जो है रेट डिसाइड होता था, और वहाँ ये नशे का पूरा सिस्टम चल रहा है। ड्रग्स होने की भी संभावना है क्या इसमें? इसके बारे में FSL भेजकर इसकी जांच कराई जाएगी। पूरा जो माल बरामद हुआ है इससे FSL से इसकी जांच कराई जाएगी, उसके बाद कुछ बताया जाए।